काउंटिंग नो प्रॉब्लम में आपका स्वागत है। मैं हूँ आरती। आगे बढ़ने से पहले हमारी आपसे प्रार्थना है, कृपया सोचें, आप डेटा एंट्री ऑपरेटर यानी बाबू बनना चाहते हैं या अकाउंटेंट? आप टैली का अधूरा ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं या उसके विद्वान बनना चाहते हैं? यदि आप अकाउंटेंट या विद्वान बनना चाहते हैं तो हमारा आपसे निवेदन है, इस वीडियो सीरीज की सभी वीडियोस को एक एक करके क्रमानुसार ही देखें। वीडियोस को क्रमानुसार देखने के दो तरीके हैं। पहला है हमारी वेबसाइट द्वारा और दूसरा हमारे YouTube चैनल की प्लेलिस्ट द्वारा। टैली के इस वीडियो सीरीज के आज के अध्याय में हम आपको बताएंगे लेजर्स में डिस्प्ले और ऑल्टर ऑप्शंस के बारे में, साथ ही बताएंगे कि किसी लेजर को डिलीट कैसे करते हैं। इससे पहले वाली वीडियोस में हमने आपको सिंगल लेजर और मल्टीपल लेजर्स कैसे बनाए जाते हैं ये बताया था। आगे बढ़ने से पहले आपको याद दिला दें कि सिर्फ वीडियो देखने से लाभ नहीं होगा। यदि आप इस वीडियो का सही लाभ लेना चाहते हैं तो जैसा आपको वीडियो में समझाया गया है ठीक उसी तरह दो तीन बार प्रैक्टिस जरूर करें। अभी हम गेटवे ऑफ टैली पर हैं। अब लेजर्स में ऑल्टर ऑप्शन को समझने के लिए कीबोर्ड पर ए और फिर एल कीज प्रेस करें। देखिए लेजर्स वाली विंडो आ गई है। यहाँ सिंगल लेजर और मल्टीपल लेजर्स में आप क्रमशः तीन तीन ऑप्शंस देख रहे हैं। पहला है क्रिएट, इसकी सहायता से आप लेजर बनाना सीख चुके हैं। दूसरा है डिस्प्ले, इसकी सहायता से आप अपनी कंपनी में जितनी भी लेजर्स बने हुए हैं उनकी डिटेल्स जो आपने लेजर बनाते समय दी होगी देख सकते हैं। तीसरा ऑप्शन है ऑल्टर, इसकी सहायता से आप पहले से बने किसी भी लेजर में कोई भी चेंजेस करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। पहले हम सिंगल लेजर में ऑल्टर ऑप्शन को समझ लेते हैं। उसके लिए ए की को प्रेस करें। देखिए लिस्ट ऑफ लेजर्स आ रही है और इस लिस्ट में सभी लेजर्स के नाम दिखाई पड़ रहे हैं। आप जिस लेजर में चेंजेस करना चाहते हैं उस लेजर को सिलेक्ट करें। जैसे कि हम सप्लायर अशोक ट्रेडर्स के लेजर में चेंजेस करना चाहते हैं, यहाँ पर ये ऑलरेडी सिलेक्टेड है तो हमें सिर्फ एंटर प्रेस करना है। देखिए लेजर ऑल्टरेशन विंडो आ गई है। इसमें लेजर बनाते समय आपने जो भी डिटेल्स दी होंगी वो दिखाई पड़ेंगी। यहाँ से आप नाम, ग्रुप, मेलिंग डिटेल्स या ओपनिंग बैलेंस जिसमें भी चेंजेस करना चाहें कर सकते हैं। हम मेलिंग डिटेल्स में कुछ चेंजेस कर रहे हैं। अब इस विंडो को कंट्रोल और ए कीज प्रेस करके एक्सेप्ट कर लें। अब वापस एस्केप की प्रेस करते हुए लेजर्स वाली विंडो पर चलते हैं। अब हम सिंगल लेजर में डिस्प्ले ऑप्शन को समझा देते हैं। उसके लिए डी की को प्रेस करें। ये देखिए लिस्ट ऑफ लेजर्स आ रही है और इस लिस्ट में हमारे द्वारा बनाए गए सभी लेजर्स के नाम दिखाई पड़ रहे हैं। अब हमें जिस भी लेजर की डिटेल्स देखना होगी उस लेजर को हम सिलेक्ट कर लेंगे। मान लीजिए हम अशोक ट्रेडर्स की डिटेल्स देखना चाहते हैं, यहाँ पर ये ऑलरेडी सिलेक्टेड है तो हमें सिर्फ एंटर प्रेस करना है। ये देखिए लेजर डिस्प्ले विंडो आ गई है। इसमें आपने लेजर बनाते समय या उसके बाद ऑल्टर करते समय जो भी डिटेल्स दी होंगी वो आपको दिखाई पड़ेंगी। अब स्केप की प्रेस करते हुए लेजर्स वाली विंडो पर चलते हैं वापस। चलिए अब मल्टीपल लेजर्स में ऑल्टर ऑप्शन को समझ लेते हैं। उसके लिए टी की को प्रेस करेंगे। ऐसा करने पर लिस्ट ऑफ ग्रुप्स दिखाई पड़ेगी। अब यदि हमें किसी एक ग्रुप में बनाए गए किसी एक या एक से अधिक लेजर्स में कोई चेंजेस करना है, जैसे कि उनके नाम, ग्रुप या ओपनिंग बैलेंस में कोई चेंज करना है तो उस ग्रुप को सिलेक्ट कर लें। जैसे हम बैंक अकाउंट्स ग्रुप को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस कर रहे हैं। ऐसा करते ही मल्टी लेजर ऑल्टरेशन विंडो खुलेगी। देखिए हमने बैंक अकाउंट्स ग्रुप में दो लेजर्स बना रखे हैं। इनमें से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नाम और ग्रुप दोनों ही सही हैं। पर दूसरी जो बैंक है उसका नाम
बैंक ऑफ इंडिया न होते हुए बैंक ऑफ महाराष्ट्र है और इस बैंक से हमने सीसी लिमिट ली हुई है, यानी ये लेजर बैंक अकाउंट्स ग्रुप में ना होकर बैंक ओसीसी अकाउंट ग्रुप में होना चाहिए। तो आइए हम ये चेंज कर देते हैं। यहाँ यदि आपको ओपनिंग बैलेंस डालना हो या उसमें कोई चेंजेस करना हो तो आप वो भी कर सकते हैं। अब हम इस विंडो को एक्सेप्ट कर लेते हैं और फिर से लेजर्स वाली विंडो पर चलते हैं। अब हम आपको बता देते हैं कि किसी भी ग्रुप के अंदर बने लेजर्स को एक साथ कैसे ऑल्टर कर सकते हैं। उसके लिए टी की प्रेस करें। यहाँ आपको ऑल आइटम सेलेक्ट करना होगा। यहाँ पर ये ऑलरेडी सिलेक्टेड है तो हमें सिर्फ एंटर प्रेस करना है। ऐसा करते ही मल्टी लेजर ऑल्टरेशन विंडो खुल गई है जिसमें सभी लेजर्स के नाम आ रहे हैं और उनके आगे वे जिस ग्रुप में बने हैं उनके नाम भी आ रहे हैं। इसके अलावा यदि आपने कोई ओपनिंग बैलेंस दिया होगा तो वो भी यहाँ पर आपको दिखाई पड़ेगा। जैसा कि अभी हमने आपको इसके पहले बताया था, उसी तरह आप यहाँ पर भी किसी लेजर के नाम, ग्रुप या ओपनिंग बैलेंस में चेंजेस कर सकते हैं। उदाहरण के लिए हमने गलती से अपने कस्टमर अशोक ट्रेडर्स का लेजर सन्ड्री क्रेडिटर्स ग्रुप में खोल लिया था, तो उसे ठीक करके सन्ड्री डेटर्स ग्रुप में कर लेते हैं। इसी तरह आपको जिस भी लेजर में जो भी चेंजेस करना हो आप कर सकते हैं और अंत में इस विंडो को एक्सेप्ट कर लेते हैं। ये हम फिर से लेजर्स वाली विंडो पर आ गए हैं। अब हम मल्टीपल लेजर्स में डिस्प्ले ऑप्शन बता देते हैं। उसके लिए आई की को प्रेस करें। ऐसा करते ही लिस्ट ऑफ ग्रुप्स दिखाई पड़ेगी। अब यदि किसी एक ग्रुप में बनाए गए सभी लेजर्स को देखना है तो उस ग्रुप को सिलेक्ट करें। हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ग्रुप को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस कर रहे हैं। ऐसा करते ही मल्टी लेजर डिस्प्ले विंडो आ जाएगी। देखिए सिलेक्ट किए गए ग्रुप में जितने भी लेजर्स बने हैं वो दिखाई पड़ रहे हैं। चलिए अब हम सभी ग्रुप्स के अंदर बने लेजर्स को एक साथ देख लेते हैं। उसके लिए आई की को प्रेस करें। अब यहाँ पर ऑल आइटम सिलेक्ट करना होगा। यहाँ पर ये ऑलरेडी सिलेक्टेड है तो हमें सिर्फ एंटर प्रेस करना है। आप यहाँ देख सकते हैं कि सभी लेजर्स के नाम आ रहे हैं और उनके आगे वे जिस ग्रुप में बने हैं उनके नाम भी आ रहे हैं। यदि आपने कोई ओपनिंग बैलेंस दिया होगा तो वो भी आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेगा। अब देख लेते हैं कि यदि किसी लेजर को हटाना है यानी डिलीट करना है तो वो कैसे कर सकते हैं। लेजर डिलीट करने के लिए सिंगल लेजर में ऑल्टर पर जाएं। यहां से आप उस लेजर पर जाएं जिसे डिलीट करना चाहते हैं और एंटर प्रेस करें। देखिए नीचे की तरफ तीन ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। इसमें डिलीट के आगे डी लिखा है और डी के नीचे एक अंडरलाइन है। यहाँ एक बात का ध्यान रखें, यदि ये ऑप्शन इनएक्टिव हो यानी चालू ना हो तो इसका मतलब ये है कि वो लेजर डिलीट नहीं हो सकता, क्योंकि जब आप किसी लेजर में कोई ट्रांजेक्शन कर लेते हैं तो उसे डिलीट नहीं किया जा सकता। हम इस लेजर को डिलीट करना चाहते हैं और इसमें डिलीट ऑप्शन एक्टिव भी है यानी चालू है, तो हम कीबोर्ड पर ऑल्टर और डी कीज को एक साथ प्रेस कर रहे हैं। कुछ इस तरह की विंडो आएगी। यदि आप लेजर डिलीट करना चाहते हैं तो वाई या एंटर प्रेस करें। ऐसा करते ही लेजर डिलीट हो जाएगा। तो इस वीडियो में आपने लेजर्स में डिस्प्ले और ऑल्टर ऑप्शंस के बारे में जाना, साथ ही ये भी जाना कि किसी लेजर को कैसे डिलीट करते हैं। इसके बाद वाली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सोर्स डॉक्यूमेंट्स क्या हैं और टैली में उनका क्या उपयोग है।